नमस्कार, मैं कमर गाजी नव भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उल्लासनगर महानगर पालिका की एक्स कारपोरेटर मीना दीपक सोंडे। मीना दीपक सोंडे जी ने आज अपने प्रभाग में बच्चों के लिए देसी धमाल नाम से एक बहुत बड़ा 3 दिवसीय इवेंट रखा है। उसमें विविध खेल हैं जो आज लुप्त हो चुके हैं आज इस कंप्यूटर और मोबाइल के युग में। आइए हम जानते हैं जो इस 3 दिन के 3 दिवसीय महोत्सव के जिन्होंने रखा है उन्हीं से बात करते हैं। मीना दीपक सोंडे जी, सर्वप्रथम मैं नवभारत को और काजी साहब को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के युग में डिजिटल का बहुत बड़ा सहयोग रहता है और हम नवभारत के पहले से ही वाचन करते रहते हैं। अच्छा, देसी धमाल ऐसा आया है कि हम लोगों ने सोचा कि जो क्रिसमस के वैकेशन आते तो बच्चे पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते, या तो कंप्यूटर गेम्स खेलते या मोबाइल में गेम्स खेलते। आज जो हमारा जनरेशन था, मीन्स आज मेरी एज 50 साल है काजी साहब, हम लोगों ने जो गेम्स खेले, हमने जो मज़ा की, हमारे बाद की जनरेशन और अभी न्यू जनरेशन वो एंजॉय नहीं कर पाए। कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस हो गए, कहीं कहीं पाबंदियाँ आ गई। सबको लगता है कि हम अपने बच्चों को मीन्स हाइजीन का संक्रामक फ्री एक माहौल दे और घर में बिठा देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे मिट्टी में अगर खेलेंगे तो उससे उनकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स रहती है और उनकी जो स्किन प्रॉब्लम्स रहती है, इम्यून प्रॉब्लम्स रहती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। आप अचानक में उन्हें अगर मिट्टी में भेजेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम्स आएगी। इसीलिए मिट्टी की जो गेम्स थी इतने सालों से चलती आ रही है, युगों युगों से चलती आ रही है और हमने भी की। आज बच्चों को माँ बोलती है कि मिट्टी में नहीं खेलना और वही माँ स्पा में जाके मड मसाज मड पैक लेती है। तो मड हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम जो अनाज खाते हैं ना तो उसको अंकुरित भी मिट्टी में ही होता है, तो हमारा भी वही अंश मिट्टी का ही है। इसके लिए जो गेम्स हम खेलेंगे वो मिट्टी के गेम्स रहेंगे जो मिट्टी में खेले जाते हैं और जो भूल चुके हम, इसीलिए उसको देसी धमाल बोला गया है क्योंकि इसमें सब गेम्स हमारे देसी के हैं। हमने इसमें बहुरा जो खेलते थे हम लोग वो लिया है और गोटी खेली जाती थी। देखिए, गोटी जो खेली जाती थी उसमें ना स्पॉट करना, एम लेना, व्यू करना, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें रहती हैं आँख का, ब्रेन का, बहुत अच्छा माइंड सेटअप्स होता है। फिर थग ऑफ वॉर रहता है, रस्सी खींचे, आपका लूडो है, स्नेक लेडर है। आप सभी शहरवासियों से मैं निवेदन करूंगी, ज़रूर लेके आइए आपके बच्चों को। ये 5 साल से 10 साल के बच्चों के बीच में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। कुर्ला कैंप रोड में जो ग्राउंड है अभी स्मशान के सामने, उसके हमने शुरुआत के गेम्स रखने के 3 दिन की है, 29, 30, 31 December 2022। इसमें आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग गेम्स मिलेंगे। हमने डांस भी रखे हैं, बच्चे आपके 3 दिन में डांस सीखेंगे। प्लस इसमें यूसी मा से जो एबेस्कस मैथ्स रहती है तो उनका भी डिस्प्ले है। आप आके उसमें न्यू आपके बच्चों को वैदिक मैथ्स है या यूसी मा से वो सब की नॉलेज मिलेगी। उसके बाद में हमने पावर लिफ्टिंग का भी रखा है। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग ये 8 साल के बच्चों से शुरुआत कर सकते हैं, तो इनका अभी हम लोग बैच स्टार्ट करना है। तो जो इंटरेस्टेड रहेंगे उन्हें हम उसमें उनको प्रोवाइड करेंगे। उसमें ऐसे हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मिट्टी की गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके लिए ये मेरा जो विजन है उसके लिए है। उसके बाद में ड्राइंग भी है और ओरिगेमी है जो पेपर से हम अलग अलग बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। सुबह आप 7:30 बजे सब ग्राउंड में आ जाइए, 8 से 10 बजे तक हमने प्रोग्राम रखा है। अगर बच्चे ज़्यादा टाइम बैठना चाहेंगे तो हम बैठने देंगे, मगर 8 से 10 सुबह का टाइम रखा है और पेरेंट एक कंपलसरी किया है इसमें, ताकि जो बच्चों की जो है वो पेरेंट के साथ में या टीचर्स के साथ में जो टाइप रहती है वो ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। इसके लिए हमने इसमें पेरेंट कंपलसरी किया है, पेरेंट हो या ग्रैंड पेरेंट हो, आप कोई भी आ सकते हैं।
उसके बाद में हमने उसमें आपको और एक कहे कि बच्चों का वाटर बॉटल और मास्क ज़रूर लेके आए, क्योंकि क्राउड कितना है अभी से अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब स्कूल्स में हम लोगों ने ये फ्री पासिस दिए हुए हैं। ये टोटली फ्री रखा है एंट्री, ये सिर्फ बच्चों के लिए कि आओ और खेलो, इसमें कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं है। मीना मैम, आप बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भी अक्सर कोशिश करती रही हैं। आपने जो एक महानगर पालिका अपने प्रभाग में एक जो मतलब एक बड़ा मैदान था, तो उसको आपने काफ़ी अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश कर कर आप उसने उसको थोड़ा थोड़ा विकसित कर रही है, सौंदर्यीकरण कर रही है, तो आप क्या चाहती कॉरपोरेशन या विधायक या सांसद निधि से निधि, ताकि वो एक भविष्य में एक आपके माध्यम से और यहाँ के लोगों को मैदान उपलब्ध हो बच्चों के खेल के लिए, उसके आपका किस तरह का प्रयास रहेगा? देखिए, ये है ना, हमारा MGP का जो ग्राउंड है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो POK है वो हिसाब है, कॉरपोरेशन बोलता है MGP में और MGP का हिस्सा है, तो उस हिसाब से हम लोग का ट्राई चालू है। न्यू DP प्लान में हमने फाइट करके मेरे लेटर्स भी गए, हमने काफ़ी डिस्कशंस किए और इसको प्लेग्राउंड डिक्लेयर किया हमने, तो प्लेग्राउंड ही होना चाहिए क्योंकि ओपन स्पेस बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्कूल से बड़े बड़े कॉन्वेंट से मैं नाम गिनवा सकती हूँ, उनके पास भी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है तो बच्चे खेलेंगे कैसे? तो बच्चों को ग्राउंड की आदत होनी चाहिए, मट्टी की आदत होनी चाहिए, डरिए मत। अगर वो उसका बच्चे का अगर ड्रेस मट्टी से लथपथ आता है तो उसे एंजॉय करने दीजिए। कैमरामैन सैयद के साथ मैं कमर काजी, उल्लासनगर।